जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है और जब समस्याएं हद से बढ़ जाती हैं, तो व्यक्ति चिंता और डिप्रेशन जैसी मानसिक स्थितियों में फंस सकता है। इस दौरान व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और कई बार अपनों से दूर हो जाता है, लेकिन जब कोई अपना उसके साथ खड़ा होता है तो उसे हिम्मत और सहारा मिलता है। अगर जीवन में डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है तो खुद को खुश रखने की कोशिश करो। ज्यादा सोचते हो तो खुद को किसी काम में व्यस्त रखो। अगर दिल टूटा है तो नए विकल्पों पर ध्यान दो। अक्सर लोग कहते हैं कि जो अंदर की बातें होती हैं, वे कभी समझ नहीं आती, और जो दर्द हम झेलते हैं वह किसी और को नहीं दिखता। लेकिन जिंदगी की हकीकत यही है कि दुख के समय में हम अकेले होते हैं, जबकि खुशियों में पूरी दुनिया साथ होती है। जब किसी का साथ ना हो तो खुद को संभालो और अपने भीतर की रोशनी से अंधेरे को दूर करो। वक्त गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। जैसे खुशियां स्थायी नहीं होती, वैसे ही दुख भी एक दिन खत्म हो जाता है। डिप्रेशन किसी और का दिया हुआ तोहफा नहीं है, इसे खुद से दूर करो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। आंसू जो आंखों से गिर नहीं पाते, वे मन के अंदर बहुत गहरी चोट पहुंचाते हैं। इसलिए अवसाद को छोड़कर खुशियां चुनो। हर दिन एक चुनौती होती है, लेकिन हर रात के बाद एक सवेरा भी आता है। उम्मीद कभी भी खत्म नहीं होती। जिन रिश्तों ने आपको तकलीफ दी है, उन्हें पीछे छोड़ दो। अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू करो। कमाल करता है तू भी ये दिल, उसे तेरे लिए फुर्सत नहीं और तुझे उसके बिना चैन नहीं। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है, तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। आंखों का पानी और टूटे दिल की कहानी हर किसी के समझ नहीं आ सकती। मौत आए तो शायद दिन संवर जाए, वरना जिंदगी ने तो मार ही डाला है। कुछ कर गुजरने की चाहत में कहां कहां से गुजरी, अकेली नजर आई मैं जहां जहां से गुजरी। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं। टूटा हूं मगर हारा नहीं हूं, अकेला हूं मगर बेसहारा नहीं हूं। पलकों में आंसू और दिल में दर्द रोया, उसको क्या पता मैं उसके लिए किस कदर रोया। तड़पना क्या होता है, ये उस इंसान से पूछो जिसके पास नंबर भी है पर वो बात नहीं कर सकता। लड़खड़ाते, रोते और तड़पते हुए वो मुझे अकेला छोड़ गया। जब किसी और पे उसका दिल आया तो वो मेरा दिल तोड़ गया। नींद में भी गिरते हैं मेरी आंखों से आंसू, तुम ख्वाब में भी मेरा हाथ छोड़ देते हो। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना। उदास करती है मुझे हर रोज ये शाम, ऐसा लगता है जैसे कोई भुला रहा है धीरे धीरे। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती। किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। सारी दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। बिछड़ के भी क्या लौटेगा वो जो साथ होके भी साथ ना था। मैंने अपनी परछाई से पूछा, तुम मेरे साथ क्यों चलती हो? परछाई ने मुस्कुराकर बोला, अरे पागल, मेरे सिवा तेरा है ही कौन? तुम मेरी जिंदगी की वो किताब हो जिसे मैं बार बार पढ़ना चाहता हूं। वफा की उम्मीद करे भी तो किससे करे जनाब, जो अपना था वो तो सपना बनकर रह गया। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते हैं। कमजोरी होती है कुछ आशिकों की, जहां गुस्सा होना चाहिए वहां रोना आ जाता है। मत बनो किसी के लिए खुली किताब दोस्तों, जहालत का दौर है, पढ़कर फाड़ दिए जाओगे। चेहरे पर हंसी और दिल में गम, कुछ इस तरह से जी रहे हैं हम। सफर मोहब्बत का अब खत्म ही समझो। तेरे खतों से जुदाई की महक आती है, बेहिसाब यादें हैं उन बीते दिनों की। एक भूलने निकलूं तो 100 जहन में आती है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है ना, तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। लोग दिल में बड़े प्यार से बस जाते हैं, लेकिन निकलते दिल तोड़कर ही है। मेरी तो आदत थी दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाने की, पर मुझे तो याद ही नहीं रहा कि जमाना तो शुगर फ्री हो गया है। परिवार की मोहब्बत ही है जिंदगी का सबसे मीठा सफर। उसके साथ हर मुश्किल को किया हमने आसान, हर दर्द को मिला हमें सहारा। दिल छोटा मत कीजिए, जो बदल रहा है उसे बदलने दीजिए। और जब पसंद की चीज ही ना मिले, फिर चाहे जो मर्जी मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है। मैंने उस इंसान को खोया है मुर्शिद, जिसे खोने के बाद में कुछ भी खोने से नहीं डरता।
मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। जब दिल टूटता है तो ना तो कोई आवाज होती है ना ही कोई शोर होता है, फिर भी सभी को प्यार होता है, क्योंकि दिल पर कहां किसी का जोर होता है। हमारी गली तो बस एक बहाना था, असल में उसे दिल कहीं और लगाना था। वो छोटी छोटी उड़ानों पर गुरूर नहीं करता जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है। कभी मिले फुर्सत तो इतना जरूर बताना, वो कौन सी मोहब्बत थी जो हम तुम्हें न दे सके। कुछ तो खास था रिश्ते में हमारे, तू ढूंढता बहाना नाराज होने का और मैं रोने का। वो लड़का था जो सब कुछ भूल गया खफा होने के बाद, वो लड़की थी जो तड़पती रही उसे खोने के बाद। यादों की कीमत वो क्या जाने जो खुद यादों को मिटा दिया करते हैं। यादों का मतलब तो उनसे पूछो जो यादों के सहारे जिया करते हैं। ये दिन भी कयामत की तरह गुजरा है, न जाने क्या बात थी, हर बात पर रोना आया। मैं अब खुद भी नहीं चाहता कि कोई अब मुझे चाहे। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। जिंदगी में इतने बुरे लोग मिले कि अब हाल ये है हमारा कि अच्छे भी बुरे लगने लगे। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही न रुकी तो गम की क्या औकात है। बहुत मजबूती से पकड़ रखा था रिश्तों का डोर, न जाने कैसे छूट गया। चलो अब जाने भी दो, क्या करोगे दास्तां सुनकर। खामोशी तुम समझोगे नहीं और बयां हमसे होगा नहीं। किसी के आगे इतना मत चुको कि लोग गिरा हुआ समझने लगे। आंसू किसी और के दुख को समझता नहीं है और न ही किसी की खुशी को। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है। मैं चाहूं तो आज ही तुम्हें मना लूं, मगर तुम वो रहे ही नहीं जिसकी मुझे तलब थी। जिन्हें मालूम है कि अकेलापन क्या है, वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। फरियाद कर रही है तरसी हुई निगाह, किसी को देखे हुए अरसा हो गया है। होके जुदा तुमसे न रह पाऊंगा, मेरी सांसें तो तुम्हारी जुदाई के साथ ही चली जाएंगी। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंखें खोल देगा। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ते भी आप हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। शब्द की ताकत को कम मत समझिए, छोटा सा हां या ना जिंदगी बदल देता है। यूं तो सब अपने संग है, फिर भी ना जाने क्यों अकेला अकेला सा मन है। हर समस्या के तीन समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। जितना बदल सकती थी खुद को बदल लिया। अब जिसको शिकायत है वो अपना रास्ता बदले। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौटकर नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। जिम्मेदारी की एक खूबी होती है, ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब खत्म हो जाता है। कोई भी इंसान बुरा तभी बनता है जब वो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।